बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। दिसंबर को मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है? कल मार्केट ने एक बिग मूवमेंट ली और हमारा ये जो चैनल है, ये मैंने आपको कल बताया था, इस चैनल को मार्केट ने भी ब्रेक नहीं किया। एक इसने विक छोड़ी अपसाइड पर, लेकिन विक छोड़ने के बाद मार्केट दोबारा उसी चैनल के अंदर आ गई है। आज एक ही न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और तकरीबन पाकिस्तानी 8 PM के करीब आएगी। तो इस वक्त थोड़ा सा मोहतात रहने का वक्त है 8 बजे के करीब, क्योंकि 8 बजे के करीब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। आज हमने देखना है कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है और मार्केट जो है वो कहाँ से रिजेक्ट होगी। हमारे पास ये दो लेवल है 2048 का और उसके बाद 2042 का, ये बिग लेवल हैं। मार्केट इस लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही है। ये जो उनसे ऊपर वाला लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ 2048 का, ये वाला वीकली लेवल है, मार्केट का वीकली लेवल है। वीकली लेवल को यहाँ पे मार्केट नहीं तोड़ पा रही, और ये जो लेवल आएगा ये 2042 का, ये मार्केट का डेली लेवल बना हुआ है। तो 2042 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में नेगेटिव साइड पर रहिएगा। 2042 का आपका बैरियर है, तो 2042 जब तक क्रॉस नहीं होता, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं होती, आप लोग यहां पे नेगेटिव ही रहिएगा। और नेगेटिव पे मार्केट आपको दोबारा 2020 को या फिर 2009 ये दिखा सकती है। आज हम 90% जो है वो नेगेटिव साइड पर रहेंगे और मार्केट को नेगेटिव ही देखेंगे। तो अगर नेगेटिव में आपको ट्रेड मिलती है तो बहुत अच्छी ट्रेड इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अगर फर्ज करें 2042 को मार्केट क्रॉस कर जाती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो आगे आपके पास 2048 का लेवल और उसके बाद 2070 ये लेवल मार्केट के पास खुल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ये जो बड़ा बैरियर है मार्केट जिसके नीचे बार बार क्लोजिंग दे रही है। अब आप देख लें मार्केट जब से चली है इसके नीचे ही क्लोजिंग है। हर कैंडल जो सी है मास वाइज से एक कैंडल के, हर कैंडल 2042 के नीचे ही क्लोज हो रही है। तो 2042 आपका बिग बैरियर है। अगर 2042 के नीचे है मार्केट तो आप इसमें सेल की ट्रेड ही ढूंढिएगा। तो US ऑयल को अगर देखें तो इस वक्त US ऑयल जो सा है नई बुलंदियों की तरफ गामजन है और नीचे से मुसलसल ये अप साइड पे जाना शुरू हुआ हुआ है। ये देखें आप ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से मुसलसल ये अप साइड पे जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लें तो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद इनको ये क्रॉस करती हुई अगर जाएगी तो आपका ये जो सा लेवल बनेंगे, ये जो नीचे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा दूँ ताकि आप अपने अपने कंप्यूटर्स पर ये ट्रेंड लाइन लगा लें, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये मूव कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही हम चलेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट आप इसमें पॉजिटिव रहेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी मार्केट तो फिर हम इसमें नेगेटिव होंगे और उसके बाद फिर हम नीचे की ट्रेड ढूंढेंगे, लेकिन रीटेस्ट के ऊपर। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट, देखें ये पॉइंट, देखें मार्केट इससे ऊपर ट्रेड हो रही है। और अपसाइड पर अगर देखें तो आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाइएगा तो आपका ये एक चैनल बन जाएगा। मार्केट अभी तक इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, तो जिस साइड पे चैनल का ब्रेकआउट हो उस साइड पे आप मार्केट के साथ चलिएगा। इंशाल्लाह US ऑयल आपको बहुत अच्छी ट्रेड देने वाला है, तो इसमें आप इसी तरह चलिएगा। ये चैनल मैंने बना दिया ताकि आप इस चैनल को फॉलो करें, आपके सामने मैंने चैनल लगा दिया ताकि इस चैनल को आप लोग फॉलो करें और इसके ऊपर चलें। अप साइड पर अगर ये जाता है तो अप साइड पर ये यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है इसके पास पुरानी ट्रेंड लाइन की, ये 74.98 यहाँ तक जा सकता है। अगर ये नीचे आता है तो 73 के पास अगर इसका वेट करें, अगर इसको नहीं तोड़ता, एक बड़ी कैंडल के साथ नहीं तोड़ता, इसके ऊपर रहता है, तो इससे बाय साइड पे जाइएगा। अगर इसको तोड़ दे, उसको रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट के ऊपर सेल की ट्रेड लीजिएगा, वो आपको 71.72 तक लाएगी और फिर 70.54 तक जाएगी। ये मैंने दोनों आपको पॉइंट बता दिए अप एंड डाउन के। अब चलते हैं BTC की तरफ और BTC को देखते हैं BTC का हमारा क्या पोजीशन है और हमने BTC में क्या पोजीशन लेके चलनी है। BTC भी अपनी जो यूनिवर्सल एक मैंने आपको बताई हुई है 43,400, आपको याद होगा मैंने आपको ये क्लियर बताई हुई है
43,500 से नीचे हम सेल साइड पे रहेंगे। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मार्केट 38,000 को टच करती लग रही है। अगर अब ये मार्केट वापस आती है, इसको टेस्ट करती है, तो चूंकि 3 दफ़ा इसने ट्राई किया है इसको तोड़ने की, और अगर अब ये आई तो अब इंशाल्लाह मुझे लगता है ये ड्रिल करती हुई नीचे जा सकती है। और अपसाइड पे भी चूंकि रिजेक्शन इसको इस दफा मिल चुकी है, तो अभी इसका 43,500 का जो लेवल है ये मजबूत लेवल है, इससे नीचे हम सेल में ही रहेंगे। और आपको इससे नीचे मैं बार बार कह रहा हूँ, BTC के नीचे आप सेल में रहेंगे और इंशाल्लाह ये BTC आपको निचली साइड पे बहुत अच्छी ट्रेड देगी अप टू 38,000। ये अभी तक अपने इसी चैनल के अंदर घूम रही है, तो जब तक इस चैनल के अंदर है तो कमाने का बेहतरीन वक्त है। BTC में कमाइए, बेखौफ होके कमाइए, ताकि आपको इस चैनल के अंदर मार्केट बहुत अच्छी ट्रेड दे और आप इसी ट्रेड को लेके निकलिएगा। लेकिन ये जो लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं, ये अपने कीबोर्ड पे या अपने कंप्यूटर पे, हैंडसेट पे, जिस पे भी लगा लीजिएगा, ताकि आपको उसको रीड करने में आसानी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।